के गांव गांव में शुरू होगा पुस्तकालयों को बचाने के लिए जन आंदोलन। घर घर दस्तक, घर घर पुस्तक, आंदोलन चलाएगा गांव जवार। बिहार के गांव गांव में पुस्तकालयों को बचाने के लिए गांव जवार और अन्य संगठनों की मदद से जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस आंदोलन में सभी सामाजिक संगठनों को शामिल किया जाएगा। पुस्तकालयों की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है, इसे बचाने की जरूरत है। जन भागीदारी से ही यह काम संभव है। ये बातें बिहार विधानसभा के पुस्तकालय समिति के सभापति व विधायक सुदामा प्रसाद ने रविवार को गांव जवार द्वारा आयोजित लोक संवाद में कही। लोक संवाद का शुभारंभ नई दिल्ली से आए वायलिन वादक व गायक जितेंद्र सिंह के गायन वादन से हुआ। समाज में लाइब्रेरी जरूरी क्यों, विषयक संवाद में सभापति सुदामा प्रसाद ने कहा कि 100 साल पुरानी विधानसभा में पुस्तकालय समिति का एक भी प्रतिवेदन आज तक सभापति को नहीं सौंपा गया है। यह हैरानी की बात है। अगले सत्र में नई समिति पहली बार प्रतिवेदन सौंपने वाली है। अगर पुस्तकालयों को दुरुस्त कर लेंगे तो बिहार भारत को विश्व गुरु बना सकता है। सिर्फ गौरवशाली इतिहास का ढिंढोरा पीटने से काम नहीं चलेगा, इतिहास को स्थापित करने के लिए पुस्तकालयों को बचाना होगा। लाइब्रेरी आंदोलन के माध्यम से मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने के लिए पहल करनी होगी। बजट का पैसा जनता का पैसा होता है, यह पुस्तकालय और विद्यालय पर खर्च होना चाहिए। अनावश्यक योजनाओं पर खर्च करने के लिए सरकार के पास पैसे हैं, लेकिन लाइब्रेरियन को वेतन देने के लिए नहीं। गांव जवार की इस पहल को जन आंदोलन का रूप देना है, पूरे बिहार में इस आंदोलन को ले जाना है। सुदामा प्रसाद ने कहा कि पुस्तकालय अभियान समिति का गठन होना चाहिए। यह समिति जानकारी इकट्ठा करे, लोगों का सुझाव इकट्ठा करे और लाइब्रेरी को सूचीबद्ध करे। इसकी रिपोर्ट विधानसभा की पुस्तकालय समिति को सौंपे। इस आधार पर वह खुद मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। सुदामा प्रसाद ने पुस्तकालय प्राधिकार गठन के बावजूद कोई कवायद नहीं होने पर हैरानी जताई और सरकार के समक्ष इस सवाल को उठाने की बात कही। सुदामा प्रसाद ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम के तहत सभी पंचायतों में लाइब्रेरी का प्रावधान होना चाहिए, इसके लिए बजट में ही प्रावधान करने की जरूरत है। गांव जवार के अध्यक्ष डॉक्टर कौशल किशोर चौधरी ने कहा कि पुस्तकालय आंदोलन आजादी के बाद सार्वजनिक पुस्तकालयों को समृद्ध बनाया था, बाद में यह कड़ी टूट गई। किताब का महत्व घटेगा तो हमारी संस्कृति भी चौपट होगी। पुस्तकालयों में तकनीकी पद 95% रिक्त हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय प्राधिकार गठन के वर्षों बाद राज्य सरकार ने कोई पहल नहीं की, इस कारण पुस्तकालयों की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि घर घर दस्तक, घर घर पुस्तक आंदोलन चलाने की जरूरत है। प्रत्येक जिले में इस तरह का संवाद आयोजित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में पुस्तकालय विज्ञान की पढ़ाई तो होती है, लेकिन किसी भी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर का एक भी पद सृजित नहीं है। हिंदुस्तान समाचार पत्र के संपादक आलोक कुमार मिश्रा ने कहा कि पढ़ाई के बाद किताबें खरीदने की आदत छूट गई है। 2GB का डेटा समाज को विकृत कर रहा है। हमें जानबूझकर किताबों की दुनिया से दूर किया गया है। बुद्धि को आर्टिफिशियल बनाने की कोशिश की जा रही। कंपनियां सरकार के माध्यम से यह खेल खेल रही हैं। इसलिए जनता को सरकार से लड़ना होगा, सामुदायिक पहल करनी होगी, माइक्रो स्तर पर आंदोलन को ले जाना होगा। इससे लाइब्रेरी पुनर्जीवित हो सकती है। सैयद माजिद ने कहा कि SR रंगनाथन के कॉन्सेप्ट से ही लाइब्रेरी का विकास संभव है। यही नहीं, पब्लिक लाइब्रेरी को मजबूत करने के लिए बिहार सरकार को सेस कर लगाना चाहिए, साथ ही शिक्षा मंत्री की तर्ज पर लाइब्रेरी मंत्री होना चाहिए। पूर्णिया से आए शशि रंजन ने कहा कि उनका संगठन गांव जवार के साथ मिलकर तिरहुत प्रमंडल के 5 जिलों में से इस आंदोलन को गति देगा। शिक्षाविद राजेश शाही ने कहा कि लाइब्रेरी को चलाने के लिए समाज आगे आए, लाइब्रेरी समाज का मुद्दा है। गांव स्तर पर पुस्तकालय बचाने के लिए अभियान चलाने की जरूरत है। पत्रकार आफाक आजम ने कहा कि जिस घर में पुस्तक नहीं वहां संस्कार कहां मिलेगा। पुस्तकालय ही धर्म जाति के बंधन से समाज को मुक्त कर सकती है, इसके लिए व्यापक जन आंदोलन की जरूरत है। किताबें विरासत हैं, इसे बचाने की जरूरत है। बिहार लाइब्रेरी साइंस नेटवर्क PhD होल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अमित किशोर ने कहा कि सार्वजनिक पुस्तकालय प्राधिकार का गठन हुआ, लेकिन आज तक उसने कोई काम नहीं किया। यहाँ तक कि उस प्राधिकार से लाइब्रेरी साइंस के जानकार लोग भी शामिल नहीं हैं। उन्होंने सामुदायिक भवनों में लाइब्रेरी अनिवार्य करने का सुझाव दिया। ललितेश्वर मिश्र ने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत लाइब्रेरी के अस्तित्व को खत्म किया जा रहा है। सरकार को यह डर है
कि अगर लोग पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, इसलिए पुस्तकों से उन्हें दूर रखा जा रहा है। उन्होंने पंचायती भवनों में लाइब्रेरी अनिवार्य करने के लिए बजट में प्रावधान करने की मांग की। गीतकार कुमार विड़ल ने जन आंदोलन को परवान देने के लिए गांव जवार के प्रति आभार जताया, कहा कि इसे जन आंदोलन का रूप देना जरूरी है। पहली बार लाइब्रेरी के अस्तित्व को लेकर शानदार संवाद का आयोजन किया गया, इसे गांव स्तर पर विस्तार देने की जरूरत है। कुमार विड़ल ने अपने गीत के माध्यम से कहा कि बिना लड़े कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए हम लोगों को गोलबंद होकर पुस्तकालय बचाने की लड़ाई लड़नी होगी। शिक्षाविद प्रोफेसर अरविंद डे ने कहा कि पुस्तकालय की स्थिति पर पहली बार सुदामा प्रसाद ने जिस तरीके से सदन में सवाल उठाया और गांव जवार ने जिस तरीके से लोक संवाद का आयोजन कर इसे आंदोलन का रूप दिया, यह एक सराहनीय पहल है। इस आंदोलन को तमाम सामाजिक संगठनों की मदद से बिहार स्तर पर ले जाने की जरूरत। संस्कृति कर्मी मनोज वर्मा ने कहा कि गांव जवार की यह पहल एक सार्थक कदम है, जन भागीदारी से ही पुस्तकालयों को बचाने के लिए आंदोलन चलाया जाना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता मुक्तेश्वर पाठक और श्याम कल्याण ने कहा कि पहली बार किसी विधायक ने सदन में पुस्तकालयों के अस्तित्व और स्थिति पर सवाल उठाया है, यही वजह है कि आज हम सब संवाद के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, यह आंदोलन बिहार स्तर पर जाना चाहिए। इस मौके पर विधायक सुदामा प्रसाद ने बिहार लाइब्रेरी साइंस नेट फॉर पीएचडी होल्डर्स एसोसिएशन के मासिक बुलेटिन का लोकार्पण किया। गांव जवार की ओर से सुदामा प्रसाद को पुस्तक और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में गांव जवार के सचिव एम अखलाक ने पुस्तकालय अभियान समिति का प्रस्ताव रखा। इसमें डॉक्टर कौशल किशोर चौधरी, वीरेंद्र नंदा, अरविंद डे, मुक्तेश्वर मुकेश, मनोज वर्मा, कुमार विरल, फूलदेव पटेल, संत रामेश्वर महतो, चंदन कुमार, स्वाधीन दास, मानिक चंद सहनी, संजित किशोर, डॉक्टर अमित किशोर और शशि रंजन के नेतृत्व में संयोजन समिति बनाई गई। यह समिति आगामी दिनों में बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी, बिहार में पुस्तकालय प्रेमियों को इस आंदोलन से जोड़ने का काम करेगी। इस आंदोलन का नेतृत्व सुदामा प्रसाद करेंगे। कार्यक्रम के अंत में सुदामा प्रसाद ने ट्री मैन फूलदेव पटेल के साथ बिहार विश्वविद्यालय के पुस्तकालय परिसर में पौधारोपण किया। आज लाइब्रेरी की स्थिति से हम सभी अवगत हैं कि पुस्तकालय की स्थिति बहुत गंभीर और बहुत दयनीय है। जैसे मानव के शरीर में हृदय का स्थान महत्वपूर्ण है, अगर हार्ट फेल कर जाता है तो मानव मृत हो जाता है, उसी प्रकार संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय की भूमिका हृदय के समान है। और पुस्तकालय आंदोलन चला था, पूर्व में हमारे कुछ पुस्तकालय प्रेमी जो होते थे वो पुस्तकालय से अनुराग रखते थे और सार्वजनिक पुस्तकालय को समृद्ध बनाने का काम किए थे। दुर्भाग्य की बात है कि बीच में इससे लोग अलग हटके चले गए और आधुनिक टेक्नोलॉजी, अभी जो पुरुष के पक्षागण अपनी बात रखे हैं, उसमें कहा गया कि व्हाट्सएप से और फेसबुक से तो ज्ञान पूरा मिलता नहीं है, लोग आर्टिफिशियल ज्ञान अपने आप को हासिल करते हैं जो उचित नहीं है। किताबी ज्ञान जो है वही सबसे महत्वपूर्ण है और किताब का महत्व अगर घटेगा तो हमारा सामाजिक संरचना जो है सो हाँ। किताब का महत्व, पुस्तकालय का महत्व जब हम बढ़ाएंगे तब हमारी संस्कृति और शिक्षा का पूर्ण रूप में विकास होगा। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।